ओए होए ये जोर देखो, ये जोर देखो, ये जोर देखो, ये देखो, और ये चीज आपको ये चिमटे की बना दिए लोग। अभी यहाँ इस तरह की पुरानी से पुरानी साइकिल या अगर कबाड़ वगैरह आपके ऊपर ये बोल जाओ आप, ये इस तरह का फ्रेम वगैरह खाली पड़ा बोलिए कि आ जाओ हमारे पास, हम आपको इस तरह की स्टिकरिंग वगैरह डिजाइनिंग वगैरह करके चेक करो, हमारे पास स्टिकरिंग का काम शाम होता है, इस तरह की स्टिकरिंग वगैरह करके डिजाइनिंग वगैरह करके हम आपको इसके साथ का फ्रेम तैयार करके दे देंगे, चेक करो है फिर फ्रेम न्यू 0 मीटर बना दिया, कंचा पीस बना दिया, तीसरे पे चौथे पे गुम होगा और फुल डिस्काउंट के साथ। हेलो एवरीवन, इट्स मी वहाब जैरी, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप ओल्ड व्लॉग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और मैंने वो बड़ी ही मोहब्बत से बनाया था, और जो आज का व्लॉग है यार ये भी बड़ा VIP और बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है यार मैं भी गेम स्टार्ट कर दूं, साइकिल पे व्हीलिंग स्टार्ट कर दूं। बहुत से भाई कमेंट आते हैं वहाब भी आप व्हीलिंग क्यों नहीं करते, व्हीलिंग क्यों नहीं करते, व्हीलिंग क्यों नहीं करते। यार मुझे गेम करने किसी टाइम में आती थी, अरसा दराज बीत गया, इन हाथों को हथियार पकड़े, तो बोलते हैं ना इन हाथों ने हथियार छोड़े चलाना नहीं भूले, तो चलाना अभी तक आपका भाई नहीं बोला, अभी आपका भाई साइकिल वगैरह निकालता है, उसके बाद गेम करने के लिए निकलता है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना भाई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली, मैं गिर भी सकता हूँ और नुकसान भी मेरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको पता, क्योंकि कम से कम चार साल बाद मैं दोबारा साइकिल पर व्हीलिंग करने स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। सर आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि न्यू मजी वीडियो आप तक आती रहे। अब चलते हैं अपनी साइकिल की तरफ, साइकिल खड़ी है सर अंदर अपने शोरूम के अंदर, आपको पता अपना शोरूम ये है सारा बनाया हुआ सेटअप वगैरह, बाहर का मेन ये खड़ी है भाई साहब अपनी साइकिल, ये मेरी साइकिल खड़ी है, मेरा रूम शूम है, 1 लाख सब्सक्राइबर जो आपने मुझे दिलवाए थे, इसकी सिल्वर प्ले बटन भी आया था, अब इसको उतार देते हैं और उसके बाद फुल टाइम इंजॉय करने के लिए निकलते हैं। तो भाई साहब ये मेरी साइकिल है फुल टाइम, हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पंचर है, हवा नहीं है, पंचर लग रही है मुझे, चलो बाहर निकालते हैं, कोई मसला नहीं, बाहर निकाल के उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है क्या नहीं, हवा भरने वाले, हवा शवा भर के निकलते हैं, तीसरे पे चौथे पे गुम करते हैं। यार जरा पंचर है ना, इसकी वजह से अजीब सी कैफियत आ रही है, चल नहीं रही, पता नहीं क्या बात, जाम जाम से हुई पड़ी यार, बाहर निकालते चेक करते क्या मसला है, पंचर है क्या मसला, ओए हो यार यकीन मानो ये देखो यार ये मसला बनाया, मुझे समझ नहीं आई, टायर फट गया, चेक करो यार इतना नुकसान हो गया यार, मैं आपको क्या बताऊं, उसके अलावा चेक करो, एक मैंने जगह और चेक किया, ये देखो यार रिम भी यहाँ से फट गया सारा, ये रिम देखो यहाँ से फटा हुआ है सारा रिम, ये देखो ये रहा बल्कि ये रिम यहाँ से सारा फट गया, और उसके अलावा टायर यहाँ से फट गया यार, यकीन मानोगे बड़ा मसला बन गया यार, अब क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा यार, सुबह सुबह ही मैंने कहा गेम शेम करने के निकलते हैं, साइकिल की सर्विस वगैरह करवा के देखो, गंदी भी पड़ी थी, ओए हो अभी आपको आपको पता है यार न्यू साइकिल बनाई थी, जब भी मैं बाहर निकालता हूँ उसको नज़र लग जाती है, समझ ही नहीं आती यार, जैसे ही बाहर निकालता हूँ कभी टायर फट जाता है, कभी कवाइल का मसला रहता, कोई ना कोई इसका मसला बना ही रहता है यार, अब तो बड़ा मसला बन गया यार, अब तो साइकिल चला ही नहीं सकता मुझे लग रहा है 2-3 हफ्ते महीना, अब रिम वगैरह दुकान पर जाके देखते हैं, वो टायर शायद दुकान पर जाके देखते हैं, पर इसके साथ का रिम नहीं मिलेगा, आपको पता है रिम बड़ा बहुत ही VIP मेरा रिम था, बहुत ही प्यारा रिम था यार, अब देखते हैं शायद इसका भी कोई जुगाड़ लग जाए, अगर जुगाड़ लग गया तो आपको दिखा देंगे, फिलहाल अभी साइकिल अंदर खड़ी करते हैं और दुकान पे जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जाके भाई क्या सीन है, अगर रिम दुकान पे मिल जाए तो डाल देंगे उस साथ को पूछ के, अगर ना मिला तो फिर इसका रिम मंगवाना पड़ेगा हमें चाइना से, आपको पता है अक्सर मैं काफ़ी सामान बाहर से मंगवाता रहता हूँ साइकिल का, अभी चाइना था फिर इसका रिम मंगवाना पड़ेगा और टायर मंगवाना पड़ेगा, तीसरे पे जाना यार, हमने करवाना था चार्जर, खराब हो गया था चार्जर, वापसी तो मार्केट आ गए, अब अंदर एंट्री होती है उसके बाद आपको दिखाते चेक करो, जितना भी ये डिस्प्ले लगा हुआ ना आईफोन का ये सब फ्री का माल है, चोरी का माल इसने रखा मार्केट के अंदर, जिसने भी आना बहुत बड़ा चोर है जो वीडियो बना रहा है, जिसने भी आना जिसने भी नूर मोबाइल पहना चोरी का माल चाहिए, नूर मोबाइल पे आ जाओ भाई जान, आपको चोरी का मोबाइल नहीं, गार्ड को बुलाओ, गार्ड को बुलाओ, नहीं नहीं यार नूर भाई बहुत अच्छे हैं यार, अल्लाह के बंदे इंसान है, नहीं नहीं बहुत ही सेक्युलर इंसान है और बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल पड़े होते हैं और बड़े ही कम रेट पे आपको देते हैं, पर बेशक डंडी मार ले 2-4 धार की वो तो हर बंदा मारता है भाई, चार्जिंग वाले भी आ गए हैं अभी सामान वगैरह भी, रमीज भाई आएंगे तो फिर चार्जिंग वगैरह आपसे लेंगे, उसके बाद बताएंगे चार्जर, फिलहाल मैंने इसमें डाला हुआ बैग में, ये चेक करो चार्जर वगैरह रमीज भाई से ले लिया हमने, चेक करो हमने 5 मंथ चलाने के बाद ही बात ले लिया इससे, यार अपनी दुकान है ना जब मर्दी, अब ये भी खराब होगा मैं वापसी दे के चला जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुझे,
हैं भाई। हेलो, हाँ हाँ, 5 महीने बाद ये देख लो जी, वीडियो बन गई है तेरी सबूत के साथ। यही चेक करो, चार्जर ले लिया, इसको जाके लगाएंगे फिर आपको बताएंगे। पानी गाय दुकान पे पहुंच गया, चेक करो जी, तीसरे पे चौथे पे गुम हो गया पानी। यार दुकानें पहुंच गए, यार साजी एक मसला बड़ा बन गया यार। यार टायर ही फट गया साइकिल मेरी का, और रिम भी फट गया, ऐसी नजर लगी, पता नहीं किसकी नजर लगी यार। अब टायर भी चाहिए रिम भी चाहिए। तुम हंस रहे हो यार, मजाक बना रहे हो, नुकसान होगा यार। आप भैया देख सकते हो हमारे पास सिर्फ फ्रंट टायर पड़ा है। इसको बहुत अच्छी, और नाम निकल आया तेरा, हंस रहे हैं तू। हमारे पास ना फ्रंट टायर पड़ा, बैक टायर नहीं पड़ा हुआ यार। ये तुम साजी उन कितो पावा, सारे आगे वाले हैं टोटल यार, ये भी सारे आगे वाले यार। अब कर रहा फुल टायर ना, आपको बताया लाजमी है डालना यार, अल्लाह के बंदे अब क्या करूं यार, बड़ा मसला बन गया। रिम तो यार पड़ा है, शुक्र है रिम पड़ा है। ये एक रिम पड़ा है मेरा, बहुत ही पुराना रिम है, अल्मोनियम का रिम है, कम से कम ये 30,000 रुपये का रिम है, और रिम बड़ा लेवल का रिम। पर ये कड़ा भी डालना नहीं है, अभी सोच रहे हैं कि वही सेट हो जाए। अब टायर शायर भी मिल जाना है, वैसे एक येलो कलर वाला टायर ये पड़ा है मेरा, इसके अंदर येलो कलर वाला, तो येलो कलर वाला वो टायर है, वो पीछे वाला है, हमें आगे वाला चाहिए। आगे वाला रिम टेढ़ा हो गया, वो रिम शिम सीधा करवा लेंगे। मुझे जो शक है ना, वो एक दफ़ा ना रात का टाइम था, मेरे पास बाइक वगैरह मेरी ख़राब हुई थी, मैं साइकिल पे गया था घंटा घर, वो खड्डे जंप वगैरह बहुत ज़्यादा थे, कुत्ते मेरे पीछे लग गए भाई, मैंने भगा के रखी साइकिल, जैसे वो भगा ली खड्डे में कहीं लगा, उसकी वजह से वो टायर फटा और उसकी वजह से वो रिम फटा। वो सिर्फ एक खड्डा ना मुझे देख लो 30-40 हज़ार का नुकसान दे के चला गया, और मैं बड़ा परेशान हुई यार। अब रिम सिम तो चलो अवेलेबल हो जाएगा, अब टायर नहीं मिल रहा, अब टायर मुझे लगता है चाइना से मंगवाना पड़ेगा, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, टायर उस्ताद के पास नहीं यार। चलो देखते हैं क्या होता है यार, अल्लाह खैर करे, कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाए बस। ठीक है यार, हमाद भाई माशाल्लाह एक साइकिल तैयार करे हैं, बड़ी VIP किस्म की, ब्लैक कलर की, चेक करो जी, ये सारी स्टिकरिंग वगैरह हमाद भाई लगा रहे हैं VIP करके तीसरे पे। हमाद भाई बहुत कस्टमर आपके बारे में पूछते करते यार, ये हमाद भाई खुद करते हैं सारी स्टिकरिंग। मैंने भाई ये सारी स्टिकरिंग खुद करते हैं, और ये सारे वहाँ पे एक बात पूछ रहे, ब्लैक कलर की स्टिकरिंग क्यों करते हैं? मैंने अपने कलर के साथ मैच करते हैं भाई जान, ये इस वजह से, यानी कि ये खुद भी ब्लैक है और ये स्टिकरिंग भी ब्लैक करते हैं, रंग बिरंगे इसलिए कर देते हैं क्योंकि अक्सर ये शर्ट कपड़े कुपड़े रंग बिरंगे पहने होते हैं, उस हिसाब से मैचिंग करके सारा काम चलाता है। साजी ऐसा ही है, कोई शक क्या तो बताओ इस बात में यार। नहीं भाई कोई शक नहीं, जैसे कहा कहेंगे वैसे हमने करना ही यार। मैं बड़ा परेशान हूँ, पर मेरा टायर का मसला हल करा दो साजी, मैं बता रहा हूँ बार बार रिम का और टायर का। रिम तो मेरे पास पड़ा, पर अब कमेंट में यार आप बताया वो रिम डालू या वो मेरे अंडे वाला रिम ठीक था। ये भी रिम महंगा, ये बात नहीं है साजी, महंगा क्या नहीं ये रिम, ये वाला ये बहुत हैवी रिम। पर यार मैं कह रहा हूँ यार दोनों काम हो जाए, वो भी काम हो जाए और ये भी काम हो जाए, दोनों वही टायर मिल जाए मुझे ऑरेंज कलर का और वो ही रिम सेट हो जाए इंशाल्लाह। ये तो उस्ताद तो बल खुश है, इसे पता है यहाँ पे लेके आएगा जीना आराम करे, साइकिल खोल के, जब मेरी साइकिल खुल जाती है ना उसके बाद फिर यहाँ पे आगे पीछे कोई और साइकिल नहीं मैं खड़ी होने देता, कि भाई मेरी साइकिल पे अल्लाह के बंदे रगड़े शगड़े रख दे, खराब वगैरह हो जाए। अब बाकी लगी बड़ी सेटिंग, ये हम हाथ पे स्टीकर उतारे भी आपके सामने लगाएंगे, अभी ये जिस कस्टमर ने बनवाई उसका नाम लिख रहे हैं ये। हमाद भाई क्या नाम है कस्टमर का? नाम तो अभी भाई ने बताया नहीं है। अच्छा तो ये आप क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर? ये व्हीलर बॉय, ये व्हीलर बॉय लिखा हुआ। अच्छा माशाल्लाह, ये अभी साइकिल रेडी हो रही है, आपको सारी साइकिल आज मैं दिखाऊंगा रेडी होते हुए। ये हमाद भाई कैसे गंदे से फ्रेम को कैसे रेडी करते हैं, तीसरे पे चलाते हैं, चौथे पे गुम करते हैं। फाइनली गाइस अभी ये साइड पे भी स्टीकर लगने लगा, पहली साइड पे तो लग गया आपके सामने, ये हो गया स्टीकर क्लियर, ये अभी आपके सामने उतारेगा। डबल टेप के अंदर बनवाए हैं भाई ये स्टीकर, फुल जेन्युइन स्टीकर है, किसी भाई ने भी साइकिल बनवानी इसके साथ की तो रास्ता वगैरह कर ले भाई, दिन बन जाएगी, टेंशन ना लो आप। पूरे जी अभी ड्रैगन लगने लगा, ये ड्रैगन हाथ पे उड़ता भी है कि यहीं पे लगा रहता है? ये यहीं लगा रहता है, मैंने कहीं शायद उड़ता हवा में, ये आग तो फेंक रहा है, ये साइकिल जला ना दे सारी, चेक करो। यो माय गॉड यार, ये तो बड़ा यार प्रैंक हो गया यार। साजी सुनाओ जरा, साथ कर टिकटॉक पे खबर चली, अब्दुल वहाब इनर मेरे राजू साथ ना मैं मारने फिर करा, मैंने आपके लिए दुआ करी है, अल्लाह के बंदे अवाम इतनी मोहब्बत करती है, अवाम मर जाएगी जब मैं मर गया तो। चेक करो ये हमाद भाई ने एक स्टीकर रोल लगा दिया है, आज चाहे तो पूरा फ्रेम तैयार हो जाएगा और आपका पूरा फ्रेम दिखाना है मैंने तैयार हुआ हुआ। ये चीज चेक करो, डिजाइन निकला अभी, ओ माय गॉड, अभी 3 फ्रेम और होंगे उसके बाद आपको दिखाता हूँ, फ्रेम मुकम्मल होगा ऐसा। आज फ्रेम हो गया मुकम्मल, ये लास्ट स्टीकर है जो लगने लगा था, बल्कि एक स्टीकर मथे वाला था ना माद भी, मथे वाला फ्रंट वाले का स्टीकर रहता है, साइड वाला भी रहता है यार, मैं तो कह रहा शायद मुकम्मल हो गया अल्लाह के बंदे। अभी चेक करो यार ये लुक, चेक करो आप जो हमाद भाई ने बना दिया ना फ्रेम की, ओए होए ये जोड़ देखो, ये जोड़ देखो, ये जोड़ देखो, ये देखो, और ये चीज चेक करो, ये चिमटे की बना दी लुक। अभी यहाँ का नाम रहता है
अभी कस्टमर ने बताया अभी यहाँ का नाम फ्रेंड का तो लगाओ ना, कस्टमर तो बता दे फ्रेंड का तो लगाओ ना आप, फ्रेंड पे इनमें से लगा दो मैं कहता कोई ना कोई वी आई पी सा कोई स्टीकर पता लगे तीसरे पे। अभी एक फ्रंट वाला स्टीकर आएगा, बाकी फ्रेम चिमटा देख लो मुकम्मल हो गया। ये आपको फ्रेम चिमटा टेप करके इसकी रेट वगैरह प्राइस वगैरह बता दूं, ये आपसे 3500 रुपये लेंगे फ्रेम चिमटा आपको तैयार कर देंगे। 3500 रुपये में फ्रेम चिमटा डिज़ाइन जैसे आप कहोगे वैसा बना देंगे हम। ऐसी है साजी? हाँ जी, हाँ जी भाई। 3500 रुपये में आपको फ्री बराबर चेक करो, पुरानी से पुरानी कबाड़ से कबाड़ साइकिल लेके आओ, इस तरह की चेक करो, न्यू साइकिल बना के लेके जाओ। ये माल भी फिलहाल फ्रंट पे ताज लगा रहे हैं यार, ताज नज़र तो नहीं आ रहा भाई, देखा जाए तो ताज नज़र नहीं आ रहा, कोई और चीज़ लगा जी इसको उतार के, मैं कहता कोई और चीज़ लगाओ तुम। 3500 रुपये में मुकम्मल हो गया अब भाई, हो गया सिर्फ ये ब्रांड नेम पाकिन के डिजाइन आएगी, ये ताजी केड़ी जर आएगी हमाद भाई, फ्रंट नेम रहते हैं यार, फ्रंट नेम रहते हैं यार। असल में ना हमाद भाई ना बड़े मम्मी डैडी बनते हैं, अपने बड़ी मम्मी डैडी हैं भी सही, कोई शक नहीं इस बात में, ऐसी है हमाद भाई भाई ये आप कह सकते हो। इनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है और ज्यादातर तो कोई चीज इनके पास आज नहीं देखते हैं, उसके अंदर घुसने की करते हैं। असल में इनका ना बड़ा शौक है, इनको कोई भी उल्टी सीधी चीजें उसमें पंगे पुंगे लेने का, उल्टी सीधी हरकतें करने का बड़ा शौक है इनको भाई। अभी चेक करो माशाल्लाह फ्रेम यार, वैसे कारीगर है, शक्ल सूरत लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ बना देगा, बट इसने बना दिया, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट कापी अब आप जाएगी, उसके बाद ये चिमटे शिमटे पे भी यार इधर भी कोई डिज़ाइन बनाया करो यार, ऊपर इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, अभी ये नाम लिखेगा मुकम्मल होगा फिर, बाकी आपको दिखाते हैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता और क्या क्या होने वाला है इसका। नहीं कह रहा हमाद भाई रिम तैयार कर रहे हैं, ये चेक करो जी अंडे लगा रहे हैं रिम के अंदर, जैसे मेरा रिम है ना पीछे, पर मेरे तो रेल में यानी कि उसमें सुराख है ना, यानी कि इसमें सुराख नहीं किया टेप से, यानी कि अंडे बना रहे हैं ताकि लगा रहे कि जैसे कि वही सुराख है, यानी कि सेम वाप जारी कापी हो रही। चेक करो जी इसके लिए भाई, साइकिल के लिए खोता बनना पड़ता है, जैसे ही हमारा खोता बना हुआ है पूरा दिन काम करना पड़ता, लगा रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए भाई जान। अभी रिम मुकम्मल होगा उसके बाद आपको दिखाती हूँ, उसी साइकिल का रिम जो प्रेम चिमटा दिखाया है आपको, नाम वगैरह भी पड़े, ये नाम है उसका साइड किंग, ये किशोर का है। अभी लगाओ यार फिर अल्लाह के बंदे, अब एक ये साइकिल है चेक कर लो, अभी वो जो पहले वाला फ्रेम आपको दिखाया ना ऐसे फ्रेम दे देख लो, जैसे ये गंदे मंदे वो बने सारे, पुरानी से पुरानी साइकिल लेके आओ, मैंने आपको बोला ना 0 मीटर बना के दे आपको दे देंगे, चेक करो ये जोर शोर बन गए हैं। इसके बाद ये टेप है ऑरेंज और रेड कलर, ये टेप लगाए स्टिकरिंग वगैरह लगा के रिम शिम बना के तीसरे में तैयार कर रहे हैं, चौथे में कुछ करते हैं। गाइस यार एक साइकिल का फ्रेम हो रहा है चेक करो, ये आसमानी कलर का फ्रेम है, बड़ा लेवल का ही फ्रेम है, इसके ऊपर भी सारी यानी कि स्टिकरिंग वगैरह करनी है, अभी इसके ऊपर स्टिकरिंग करते हैं उसके बाद आपको दिखा देती है। गाइस यार ये चेक करो, जैसा आपको पता फ्रेम श्रेम रेडी हो गए, एक ये ब्लैक वाला फ्रेम रेडी किया और एक आसमानी कलर वाला फ्रेम रेडी किया, दोनों फ्रेम बिल्कुल न्यू 0 मीटर रेडी हो गए, ये दोनों फ्रेम फोर तेल है, वो भी फोर तेल है, ये भी फ्रेम फोर तेल है, दोनों फ्रेम फोर तेल है और न्यू 0 मीटर फ्रेम है। इस तरह की पुरानी से पुरानी साइकिल ही अगर कबाड़ वगैरह आपके ऊपर ये बोल आओ आप, ये इस तरह का फ्रेम वगैरह खाली पड़ा वो लिए कि आ जाओ हमारे पास, हम आपको इस तरह की स्टिकरिंग वगैरह डिजाइनिंग वगैरह करके चेक करो, हमारे पास स्टिकरिंग का काम शाम होता है, इस तरह की स्टिकरिंग वगैरह करके डिजाइनिंग वगैरह करके हम आपको इसके साथ का फ्रेम तैयार करके दे देंगे। चेक करो है फिर फ्रेम न्यू 0 मीटर बना दिया, कंचा पीस बना दिया, तीसरे पे चौथे पे गुम होगा और फुल डिस्काउंट के साथ। तो फाइनली गाइस यार जैसे कि आपको पता है मेरी साइकिल का हो गया था टायर खराब और मैं दुकान पे भी गया और टायर वगैरह मुझे दुकान पर नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ टायर की वजह से। अब यार सोच सोच के परेशान हूँ क्या करूँ यार, चाइना से मंगवाऊँ कम से कम 2 से 3 मंथ लगेंगे चाइना से टायर आने में, और रेम का ही बहुत ज़्यादा इश्यू है, और मैं आजकल व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, पर यार डेली व्लॉगिंग क्या करूँ, मैं कहता हूँ आप सपोर्ट ही नहीं करते यार मेरे व्लॉग पर, यार मैं खुद चाहता हूँ कि यार मेरे डेली व्लॉग देखो, सब्सक्राइबर 1,34,000 हो गए हैं, ठीक है व्यूज जो होते हैं 1,000-2,000 व्यूज होते हैं यार, ये तो कोई बात ना है ना यार, इतनी सारी आवाम है सबकी रसोई पड़ी है, सब्सक्राइब करके भूल जाते हो यार आप लोग, लेकिन माना जी मैं बहुत परेशान हूँ इसी वजह से, सोच सोच के परेशान हूँ यार, इतने सब्सक्राइबर है, जो मेरे दोस्त पूछते हैं यार वाह भाई इतने सब्सक्राइबर है व्यूज़ आपके क्यों कम आते हैं, उन्हें मैं क्या जवाब दूँ कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। यार मैंने आपको बोला मैं जो बंदा ही मुझे कमेंट करा है, जो बंदा भी कमेंट करा है मैं उसके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपको बोला यार आपको कोई भी इशू कोई भी मसला मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और आपको जवाब भी दूंगा, और किसी किस्म की भी सपोर्ट आपको चाहिए भाई मैं हाजिर हूँ। और कल बाहर फ्राइडे मुल्ताना स्टेडियम किले पर मेरा ट्रैक लगता है, तो जो भी भाई मुझसे मिलना चाहता है मुल्ताना स्टेडियम किले पर आओ, मेरे साथ वीडियो बनानी है पिक्चर बनानी है अपने चैनल की यानी कि अपने पब्लिसिटी करवानी है या उसकी प्रमोशन करवानी है, मैं वो भी हाजिर हूँ कोई मसला नहीं है। बरियाल सब्सक्राइब तो आप कर रहे हो,
बेल आइकन भी पता नहीं कुछ दबा रहे हैं कुछ नहीं दबा रहे, सब्सक्राइब जो कर रहे हैं ना उसके बाद सब्सक्राइब के बाद भूल रहे हैं, तो यार ऐसे तो नहीं होता ना यार। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस डेली वॉच करो, डेली कमेंट करो, बेल आइकन को डेली दबाओ और नोटिफिकेशन वगैरह भी आपके पास तो उसको क्लिक करके ओपन किया करो और मेरे चैनल को सर्च किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे नंबर ले के नंबर वगैरह निकाल के पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर ले तो उसके बाद मुझे कॉल पर कॉल लेकर आपको बोला दुकान का नंबर दिया हुआ दुकान के नंबर पर रब्ता करें, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दुकान के नंबर पर मिल जाएगी। या मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है, साइकिल की प्राइस की इन्फॉर्मेशन की लेना देना सब कुछ उसी पर दिया हुआ। तो यार बहुत ज़्यादा यार लेट नाइट हो गई है, अब मेरा सोने का प्रोग्राम बना हुआ है तो मैं अब सोने की तैयारी में हूँ। मैंने कहा सिर्फ अपने व्यूवर से आखिर दफा बात कर लूँ, कल पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे, पर यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट कर देना यार, शायद आपका भाई अल्लाह के घर जाके आपको याद करेगा यार मेरे व्यूवर ने वाकई मुझे सपोर्ट किया। तो यार इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ज़िंदगी बखैर, लव यू हो गया।